जिन्हें ये लगता था कि भाजपा को हराना बहुत मुश्किल है, वो आज चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के अंदर भाजपा के हालात देखें। आज चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ के साथ भाजपा बुरी तरह हार रही थी और हार के डर से ये दो बार ही अभी तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर बदल चुके हैं और चुनाव रद्द कराने तक की कोशिश कर रहे हैं। पर ये जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, ये देश इस तानाशाही के खिलाफ पूरी तरह से खड़ा हो चुका है और जल्द ही भाजपा की तानाशाही से ये देश आजाद हो। जिन्हें ये लगता था कि भाजपा को हराना बहुत मुश्किल है, वो आज चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के अंदर भाजपा के हालात देखें। आज चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ के साथ भाजपा बुरी तरह हार रही थी और हार के डर से ये दो बार ही अभी तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर बदल चुके हैं और चुनाव रद्द कराने तक की कोशिश कर रहे हैं। पर ये जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, ये देश इस तानाशाही के खिलाफ पूरी तरह से खड़ा हो चुका है और जल्द ही भाजपा की तानाशाही से ये देश आजाद होगा। जिन्हें ये लगता था कि भाजपा को हराना बहुत मुश्किल है, वो आज चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के अंदर भाजपा के हालात देखें। आज चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ के साथ भाजपा बुरी तरह हार रही थी और हार के डर से ये दो बार ही अभी तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर बदल चुके हैं और चुनाव रद्द कराने तक की कोशिश कर रहे हैं। पर ये जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, ये देश इस तानाशाही के खिलाफ पूरी तरह से खड़ा हो चुका है और जल्द ही भाजपा की तानाशाही से ये देश आजाद हो। जिन्हें ये लगता था कि भाजपा को हराना बहुत मुश्किल है, वो आज चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के अंदर भाजपा के हालात देखें। आज चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ के साथ भाजपा बुरी तरह हार रही थी और हार के डर से ये दो बार ही अभी तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर बदल चुके हैं और चुनाव रद्द कराने तक की कोशिश कर रहे हैं। पर ये जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, ये देश इस तानाशाही के खिलाफ पूरी तरह से खड़ा हो चुका है और जल्द ही भाजपा की तानाशाही से ये देश। जिन्हें ये लगता था कि भाजपा को हराना बहुत मुश्किल है, वो आज चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के अंदर भाजपा के हालात देखें। आज चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ के साथ भाजपा बुरी तरह हार रही थी और हार के डर से ये दो बार ही अभी तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर बदल चुके हैं और चुनाव रद्द कराने तक की कोशिश कर रहे हैं। पर ये जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, ये देश इस तानाशाही के खिलाफ पूरी तरह से खड़ा हो चुका है और जल्द ही भाजपा की तानाशाही से ये देश आजाद हो। जिन्हें ये लगता था कि भाजपा को हराना बहुत मुश्किल है, वो आज चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के अंदर भाजपा के हालात देखें। आज चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ के साथ भाजपा बुरी तरह हार रही थी और हार के डर से ये दो बार ही अभी तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर बदल चुके हैं और चुनाव रद्द कराने तक की कोशिश कर रहे हैं। पर ये जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, ये देश इस तानाशाही के खिलाफ पूरी तरह से खड़ा हो चुका है और जल्द ही भाजपा की तानाशाही से ये देश आजाद होगा।